दोस्तों आज हम पार्शियल स्केल ट्रांसफ्यूजन एंड इफेक्ट को डेमोंस्ट्रेट कराएंगे, जो बेसिकली पॉलीसाइक्लेमिया का बच्चा हो और वो सिम्टोमेटिक या कोई पॉलीसाइक्लेमिया का बच्चा हो जिसका एसटीपी या पैक्सल वॉल्यूम 75 या उससे ज़्यादा हो या 65 प्लस हो, प्लस इसमें सिम्टोमेटिक हो। सिम्टोमेटिक में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, शॉक हो सकता है, पेरिफेरल साइनोसिस हो सकता है, ये सारे सिम्टम होते हैं। तो जैसा कि बच्चे को पेरिफेरल साइनोसिस और शॉक होता है यानी सिम्टोमेटिक था, प्लस इसका जो टीसीडी का पैक्सल वॉल्यूम वो 65 से ज़्यादा था, ये क्राइटेरिया में आया स्टेन ट्रांसफ्यूजन। स्टेन ट्रांसफ्यूजन के लिए सबसे पहले हम अम्लाइकल प्लेस करते हैं। अम्लाइकल प्लेस करने के बाद बच्चे का वजन जो होता है उसको 20 ml/kg से बनते हैं, यानी अगर बच्चे को जो देते 2 किलो होता है तो 20 × 40 ml, यानी 40 ml हम ब्लड बच्चे का निकालेंगे और 40 ml नॉर्मल प्लाइन बच्चे के अंदर डालेंगे। ये प्रोसीजर 10 ml के साइकिल में करते हैं, यानी हम पहले 10 ml ब्लड बच्चे का निकालेंगे, फिर पेरिफेरल जो निकालेंगे हम वो अम्लाइकल वेन से, पेरिफेरल वेन से 10 ml हम बच्चे के अंदर पुश करेंगे, फिर 2 से 3 मिनट वेट करेंगे, फिर 10 ml निकालेंगे, फिर 10 ml तब तक करेंगे जब तक कि 40 ml कम्प्लीट ना हो जाए, दैट मीन्स कि फोर साइकिल में ये कम्प्लीट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ आएगा।